मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। इसी के चलते खंडवा जिले के मुंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की गई। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी मौजूद रहे। मानधाता कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर मानधाता में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां यह सीट अरुण यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि नारायण पटेल अरुण यादव के कट्टर समर्थक थे और अब वह बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वहीं अरुण यादव अपने भाई सचिन के साथ मानधाता विधानसभा की आर्थिक राजधानी एवं संतों की नगरी मुंदी पहुंचे, जहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता अरुण यादव के स्वागत के लिए खड़े थे। वहीं अरुण यादव ने भी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी की और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी भी जानी। एक बार बहुत बड़ा चुनाव सामने है, प्रतिष्ठा भी दांव पर है कांग्रेस की, किस तरह से सारे मंत्री पूरी पुरानी सरकार लगेगी? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और चुनी हुई सरकारों को, एक जनमत हासिल हुई सरकारों को जो है धनबल के इस्तेमाल से उनको, उन सरकारों को गिराने का काम कर रही है। आज जो वर्तमान में जो सरकार बनी है, एक सौदेबाजी की सरकार बनी है और ये पूरा घटनाक्रम हमारी मध्य प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से इसको देख रही है। और निश्चित रूप से हमारी जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पर हमारी ये हमारा जो लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र बना है, मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की जनता जो है बड़ी बेसब्री से अपने इस उपचुनाव का इंतज़ार कर रही है और निश्चित रूप से समय आने पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनके तमाम नेताओं को जो इस कृत में शामिल हैं, उनको एक तगड़ा जवाब देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की जनता करेगी। भैया, ये कोरोना के नाम पर जो है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुछ कर रही है, क्या लगता है इसमें भी कोई साजिश है कि चुनाव आगे बढ़ाकर भी टाइम स्पेंड किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हम हमेशा षड्यंत्रों के लिए जानी जाती है और षड्यंत्र की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है आज वर्तमान में जो स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक जन आक्रोश है और जनता में बड़ा गुस्सा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां जो हो रही हैं इसको इससे भी जोड़ करके देखा जा सकता है। किस ताकत के साथ कांग्रेस उतरने जाएगी? देखिए, पूरे देश भर में एक अजीब सा वातावरण निर्मित पिछले सालों में हुआ है और एक निर्वाचित सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके नष्ट करने का काम प्रदेश और देश में हो रहा है और ये परंपरा अभी पिछले 5-7 सालों में देश में शुरू हुई है, जब से देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने लगे हैं। प्रदेश में एक सरकार, आप सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले एक सरकार बनाई हमने, प्रदेश की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट शिवराज की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने पूरे समूचे प्रदेश का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुछ माह पहले आपने देखा होगा जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, एक नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने माथे पर बिठा कर रखा, सालों तक उसके कांग्रेस पार्टी ने उसका नेतृत्व स्वीकारा, वही सिंधिया ने कांग्रेस के छाती में छुरा घोंपा और एक निर्वाचित कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज पिछले 4 महीनों में 27 जगह इस तरह की घटनाक्रम पूरे प्रदेश भर में हुए, बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग और मनी ट्रैप में विधायकों को फंसाने का काम करके एक निर्वाचित सरकार को खत्म बदलने का काम प्रदेश में हुआ है। वही हमारे मानदाता और नेपानगर में हुआ, मुझे कहते हुए बहुत कष्ट भी हो रहा है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनको 15 साल के संघर्ष के बाद में हमारे मानदाता और नेपा नगर के साथियों ने चुनकर विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा, उस जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और क्षेत्र की जनता के साथ में किया है। चुनाव आपके सामने है, अब आएगा, चुनाव होगा, हम सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, जो
निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे और जनता के बीच में पुनः जाएंगे। जिस तरह से जनता ने हमको 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, एक जनप्रतिनिधि चुना था, पुनः उससे आशीर्वाद लेंगे, जनप्रति को यहाँ से चुनकर भोपाल भेजेंगे और पुनः प्रदेश में कमलनाथ जी नेतृत्व में सरकार हम बनाएंगे। नागपंचमी में फोटो शेयर की थी आपने सिंधिया जी को, नागपंचमी जी के क्या नागराज को फन कुचलने का उसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसेप्शन उसका लोगों ने निकाला। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे साथ संसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं हम लोग। पता नहीं मीडिया ने क्यों उसको किस तरह से टेकअप किया, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सामान्य तौर पर उनको बधाई दी। भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से मान मर्दन किया था कालियानाग का, क्या वो चंद्रवंशी है? अब ये तो चुनाव समर में ही पता चलेगा। और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने एक मात्र संस्था के साथ में धोखा किया है उसको देश की और क्षेत्र की जनता माफ करने नहीं करने वाली है। और हम एक बड़ा संघर्ष प्रदेश में करेंगे और पुनः एक स्थापित सरकार को लेकर आएंगे। आपके सिलसिले मैं कहीं से नहीं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया। मुझे तो कई विधानसभाओं से ऑफर भी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी कि हम मानदाता और नेपा नगर की सीट जिताकर पुनः कांग्रेस की झोले में डालें। अच्छा, जो जन चर्चा है कि जो मानदाता सीट खाली हुई है इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी लॉबिंग है, कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मैदान तैयार किया गया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल गलत और अधूरी जानकारी आपके सामने है। मैं तो सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ, यहाँ से 4 बार लड़ चुका हूँ और बड़ा आशीर्वाद मुझे साथी कार्यकर्ताओं ने दिया है। मानदाता का घटनाक्रम हमारे आपके सामने है, जो निर्णय पार्टी करेगी वो हमारा उम्मीदवार यहाँ पर होगा। थैंक यू। देखो बहुत साफ सुथरी बात है कि आदरणीय अरुण भाई और सचिन भाई और हम सबको यह समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में, यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मानधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें एक नंबर चुनाव जीतेगी और आने वाले भविष्य में कांग्रेस का गढ़ रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लड़ेंगे फिर से या अरुण यादव को समर्थन? प्रश्न ये है कि यह है उपचुनाव, इसमें कोई दावा पेश करने वाला चुनाव थोड़ी, जैसे जनरल चुनाव में कि साहब हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। ये तो बहुत गहन चिंतन मनन, एक एक चीज देखी जाएगी, क्योंकि उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क रहता है। ये नहीं, दौड़ में तो मेरा लड़का भी और मैं भी हूँ, दौड़ में होने से क्या होना है, होना है तो वो तो फाइनल तो जो है पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देंगे, जो आलाकमान फैसला लेगा उसका। नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हाँ, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने मैदान संभाल लिया है और दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे हुए हैं। खंडवा से राम पवार की रिपोर्ट।